हेलो गाइस, आपके मोबाइल का सबसे बड़ा मसला आपको परेशान करने वाले आपके मोबाइल में खुद ब खुद अनवांटेड एड्स का आ जाना है। आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, यहाँ तक कि कोई भी अपनी पसंदीदा ऐप पर काम कर रहे हो, अचानक से पॉपअप्स और नाजेबा एड्स आने लग जाते हैं। नाज़रीन, एक दो दफ़ा तो बर्दाश्त किया जा सकता है एड्स का आना, पर बार बार तो देखकर इंतहाई गुस्सा आता है। लेकिन आप परेशान ना हो, आज मैं आपके लिए ऐड ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन किस्म की सेटिंग लाई हूँ। लेकिन ये सेटिंग स्टेप बाय स्टेप मोबाइल की स्क्रीन पे करने वाली है, सो इसलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। फर्स्ट स्टेप में आप अपने मोबाइल की सेटिंग पे आएं और वहाँ से गूगल को सिलेक्ट करें और फिर सिलेक्ट करें एड्स। फिर ओपन होगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, आप इसको कर दें डिलीट। जब आप डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल में बहुत से नापसंदीदा एड्स आना बंद हो जाएंगे। आपके मोबाइल में एड्स इसी आईडी की वजह से आते हैं। सेकंड स्टेप में आप अपने मोबाइल की सेटिंग पर आएं और वहां से सिलेक्ट करें गूगल और मैनेज योर गूगल अकाउंट, और फिर आएं डाटा एंड प्राइवेसी पर। ये तीन ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शंस को आप पॉज कर दें। पॉज करने के बाद फिर आएं माई एड सेंटर पर। नाज़रीन, ये वो ऑप्शन है जिसकी वजह से आपके मोबाइल में एड्स आते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें और ऑफ़ कर दें, और यहाँ से टर्न ऑफ। थर्ड एंड लास्ट में आप आएँ अपने मोबाइल के क्रोम पर, यहाँ से सेलेक्ट करें थ्री डॉट्स को और सेटिंग को सेलेक्ट करें, और यहाँ से सेलेक्ट करें साइड सेटिंग और एड्स को सेलेक्ट करके इसको कर दें ऑफ। और फिर आएँ बैक ऑप्शन पर और यहाँ से सेलेक्ट करें पॉप अप्स को और इसको भी कर दें ऑफ। थैंक यू।